नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्दियों में आपको लड्डू गोपाल जी को यात्रा पे कैसे ले जाना है, सफ़र पे कैसे ले जाना है लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने डिब्बा ले लिया है जिसमें हम सभी वुलन ड्रेसेस रखेंगे लड्डू गोपाल के। तो सबसे पहले जो भी पैकेट वाले ड्रेसेस हो वो रख लें, उसके बाद जो पैकेट्स नहीं हो उसको रखें। तो सबसे पहले तो हम सभी ड्रेसेस को रख लेंगे। तो हमने सभी ड्रेसेस को रख लिए हैं। तो अब हम कैप देखते हैं। तो जितने भी कैप है आप सबको एक जगह रख लें, नहीं तो बाद में इधर उधर हो जाती है, तो छोटी छोटी सी कैप से गुम हो जाती हैं। तो इन्हें भी आप कोने में एक तरफ अच्छे प्रकार से रख लें। अब हम रखेंगे ड्रेसेस। जो देखिए ये वाली ड्रेसेस है, ये शुरू से मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ये समर वाली ड्रेस पहनाता हूँ, ऊपर से विंटर ड्रेस पहनाता हूँ। मैं सीधे विंटर ड्रेस नहीं पहनाता हूँ, पहले ये वाली ड्रेस फिर ऊपर से विंटर ड्रेस। तो मैंने देखिए सारी विंटर ड्रेसेस है वो रखनी है, और एक सॉफ्ट सा तौलिया भी ले लिया है, रुमाल ले लिया है, तौलिया नहीं है रुमाल है सॉफ्ट सा, ये भी रख लिया है साथ ही में। तो आप चाहे तो हैवी ड्रेसेस भी ले सकते हैं अगर आपको हैवी ड्रेसेस पहनानी हो तो। तो मैंने भी थोड़ी हैवी ड्रेसेस ले ली हैं, तीन चार ही ली हैं, ज़्यादा नहीं ली, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, एक तो ये हैवी ड्रेस है, और एक ये है, और तीसरी देखिए ये है, ये पिंक कलर वाली है। देखिए इन तीनों को मैं ले लिया है, और ये भी पैकेट में है, तो इन तीनों को भी मैं नीचे ही रख दूँगा ऊपर, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तीन पैकेट पैकेट वाली चीज़ों को आप नीचे रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर अब मैं ऊपर से ढक्कन लगा देता हूँ। तो पिछली बार भी मैंने वीडियो डाली थी लड्डू गोपाल जी को सफ़र पे कैसे ले जाए, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको लड्डू गोपाल जी की जो टोकरी है उसमें लड्डू गोपाल जी को कैसे रखना है। तो ये देखिए जो टोकरी है मैं ले रही है, इस टोकरी आपको पहले भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ये टोकरी है। तो इस टोकरी में मैं लड्डू गोपाल जी को सफ़र पे ले जाता हूँ। तो जो पुरानी वाली वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो सबसे पहले मैं आप एक रुमाल लगा दिया है रुमाल के ऊपर। ये देखिए ये दो शॉल्स हैं लड्डू गोपाल जी की, तो जो भी आपको शॉल अच्छा लगे वो मैं शॉल इस पर भी छा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने जो आसन है वो लगा दिया है, वुलन आसन है, ताकि लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। ठंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बाल गोपाल बिल्कुल छोटे से बच्चे ही तो हैं। और देखिए ये गद्दा ले लिया, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट है। इसे भी मैं नीचे ही देखिए नीचे लगा दूंगा कि लड्डू गोपाल जी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इस टोकरी में। इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को इसमें रखेंगे। तो देखिए हमने पहले तो गद्दा बिछाया, फिर तो फिर रुमाल, और फिर ऊपर से ये वुलन शॉल बिछा दिया है। इस पे हमारे गोपाल जी आराम से बैठेंगे और उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ भोग में आपको क्या क्या लेना है। इस तरह की छोटी छोटी डिब्बी आती है, आप इन डिब्बियों में सभी भोग का सामान ले सकते हैं, बाज़ार में आराम से मिल भी जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप कपूर की डिब्बी ले सकते हैं, और लौंग और इलायची की छोटी छोटी डिब्बियाँ आती हैं उसकी भी डिब्बी ले सकते हैं। नहीं तो एक्लेरिक पेंट के जो डिब्बे होते हैं ना उन्हें की उनको भी आप सर्फ से धो के उनमें भी लड्डू गोपाल जी का जो सामान है वो रख सकते हैं भोग का, और उसे धूप में सुखा दें एक बार जरूर, और उसमें गंगा जल डाल दें। तो एक में तो मैंने मिश्री रख लिया है, और दूसरे वाले में मैं रख लूँगा सभी ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखिए मैं ड्राई फ्रूट्स हैं, इन ड्राई फ्रूट्स को भी मैं साथ में रख लूँगा मिश्री के साथ ही। तो इस तरह के आप छोटे छोटे डिब्बे बना लें, और इसमें से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं ट्रेन में। तो इनको ही मैं इसी टोकरी में बास्केट में रख लेता हूँ, ताकि लड्डू गोपाल जी बैठे बैठे भोग भी लगाते रहे साथ ही साथ। और इसके साथ ही आप ये मिश्री का पैकेट भी आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे अलग से दूसरे पैकेट दूसरे डिब्बे में रखूँगा, क्योंकि जहाँ जाए क्या पता वहाँ मिश्री ना मिले, तो आप मिश्री का पैकेट जरूर ले लें। और ट्रेन में तो तुलसी पत्र मिलेगी नहीं, तो आप तुलसी माला ले सकते हैं, तुलसी माला से लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा ट्रेन में। और आप साथ ही में एक छोटी सी इत्र की बॉटल भी ले लें, ताकि लड्डू गोपाल जी के पास खुशबू बनी रहे। तो मैंने छोटा सा इत्र की बॉटल भी ले ली है, और साथ ही मैंने यहाँ पे गोपी चंदन स्टिक भी ले ली है। और आप इसे इस तरह के ज़िपलॉक बैग में डाले, नहीं तो ये टूट जाएगा, ये इसमें रखेंगे तो ये सेफ़ भी रहेगा। तो आप गोपी चंदन की स्टिक भी ले लें साथ ही में, और मैं इसे इसी डिब्बे में रख देता हूँ,
ताकि इसमें सुरक्षित रहेगा, ये टूटेगा नहीं, इसलिए मैं इसे इसी डिब्बे में रख देता हूँ। और ये देखिए गंगा जल की बोतल भी आप ज़रूर रख लें साथ ही में, गंगा जल की बोतल भी मम्मी यहाँ रख देंगी ताकि ट्रेन में स्नान तो कराने पड़ते हैं, अब गंगा जल के छींटे देते लड्डू गोपाल पे, तो इसलिए आप गंगा जल की बोतल भी ज़रूर रख लें। तो ये तो हमारी हो गई टोक बास्केट है, वो तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाकी का सामान। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें और क्या चीज़ लेनी है। इसके अलावा आप गुलाब जल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास गुलाब जल उपलब्ध हो तो वो भी ले सकते हैं। ये अच्छा लगता है लड्डू गोपाल को, सुगंधित चीज़ है, बहुत अच्छी लगती है भगवान जी को। और अब मैं आपको गहने बता देता हूँ, तो जो लड्डू गोपाल के गहने हैं वो कैसे लेने हैं आपको। तो इस तरह का देखिए बैग आता है मार्केट में 30-40 रुपये का आराम से आ जाता है। तो इसी बैग में मैं लड्डू गोपाल के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं वो सभी मैं इसमें रख दूँगा, सभी चीज़ें हैं वो ये सब मैं इसी में अच्छी प्रकार से रख दूँगा ताकि इसमें गुम ना हो। तो और ये मैंने लिया लड्डू गोपाल जी की खाट, तो ये खाट है इसमें हम लेकर जाएंगे, इसकी बिछाने के लिए एक आसन ले लें और साथ ही में आप तकिए भी ले लें और देखिए चादर ले लें आप अलग अलग तरीके से। तो अगर आप खाट लेकर नहीं जाना चाहते हैं, आपके इतना जगह नहीं हो पा रहा है, तो देखिए तो तकिए भी ले लिए हमने, नहीं है इतने जगह आपके पास, तो आप एक काम भी कर सकते हैं, जिस बास्केट में आप लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं उसी पे आप चादर बिछा दें और तकिए बिछा दें, ये हो जाएगा लड्डू गोपाल जी का सिंहासन। ये भी छोटा सा सिंहासन बन सकता है। और ये मैंने ले लिया है छोटा सा लड्डू गोपाल का सूटकेस में बस पड़ा हुआ था, ये 5 रुपये या 10 रुपये में मेरे को कहीं मिला, दिखा तो मैंने ये ले लिया। अब ये देखिए लड्डू गोपाल जी का काम आ रहा है, इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें रख लेता हूँ, जैसे इयरिंग हो गई जो गुम हो जाती है बहुत जल्दी, वो चीज़ मैं इसमें रख लेता हूँ, इयरिंग हो गई, टॉप्स हो गए, ये सब मैं इसी में रख लेता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सब सामान आपको पैक कैसे करना है। तो ये बड़ा सा आप एक बैग ले लें, स्कूल बैग, कोई सा ही बैग आप ले सकते हैं। तो ये तो मैंने अपना स्कूल का बैग ले लिया है, इसी में हम लड्डू गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी का जितना भी सामान है वो सब लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे वो बता देता हूँ। तो खाट है, खाट रख ले, खाट को उल्टा ही रखें ताकि अब इसमें और भी सामान आ सके। फिर इसमें हम जो ये है गहने वाला बैग वो भी रख देंगे, मिश्री का पैकेट रख देंगे, गुलाब जल भी रख देंगे, सूटकेस रख देंगे। तो जो जो सामान है आप इसमें धीरे धीरे करके रखते जाएं। तो और जो ये बड़ा वाला डिब्बा है इसे भी मैं खाट के नीचे रख दूंगा। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को लेकर जा सकते हैं सर्दियों में। तो कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।